अक्सर अपने बयानों को लेकर चर्चा में रहने वाले भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने एक बार फिर नई बहस को हवा दे दी है। कैलाश विजयवर्गीय ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 के औचित्य पर सवाल उठाए हैं। दरअसल कैलाश विजयवर्गीय ने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि देश में संवैधानिक समानता के अधिकार को आर्टिकल 30 सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। यह अल्पसंख्यकों को धार्मिक प्रचार और धर्म शिक्षा की इजाजत देता है, जो दूसरे धर्मों को नहीं मिलती। जब हमारा देश धर्म निरपेक्षता का पक्षधर है तो आर्टिकल 30 की क्या जरूरत। कैलाश विजयवर्गीय के इस ट्वीट पर कांग्रेस नेता के मिश्रा ने पलटवार किया है और लिखा है कि देश और दुनिया में कोरोना के कारण इंसान इंसानियत खतरे में है, ऐसे में बीजेपी का आर्टिकल 30 हटाने का प्रायोजित खेल। नफरत के वायरस, कथित हिंदूवादियों की अल्पसंख्यकों के खिलाफ नफरत फैलाने की कोशिश है ये। मोदी सरकार आर्टिकल 30 हटाने का माहौल बना रही है और ये इसकी शुरुआत है। चलिए आपको बताते हैं कि आर्टिकल 30 क्या है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान संचालित करने का अधिकार है। यह अनुच्छेद कहता है कि सरकार शैक्षणिक संस्थानों को मदद देने में किसी भी शैक्षणिक संस्थान के खिलाफ इस आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती है कि वो अल्पसंख्यक प्रबंधन के अधीन है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। धार्मिक अधिकारों और विशेषाधिकारों की सुरक्षा के साथ साथ जातीय अल्पसंख्यक देश के धर्मनिरपेक्ष मूल्यों की आधारशिला है। आपको बता दें कि किसी धार्मिक ग्रंथ का नाम संविधान में नहीं लिखा गया है। भारतीय संविधान धर्मनिरपेक्ष है, साथ ही इसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं जिसमें कहा गया हो कि स्कूलों में गीता पढ़ाया जा सके या मदरसों में कुरान। हालांकि कुछ तथाकथित धर्मगुरु हैं जो अपनी दुकान चला रहे हैं। न्यूज़ डेस्क।